मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की जब भी बात होती है तो साथ में एक नाम अक्सर उछाला जाता है, छोटा राजन का। कभी दाऊद के साथ काम किया था लेकिन बाद में मुंबई में अपना ही सिक्का जमा लिया था। छोटा राजन के साथ भी कई लोग काम किया करते थे जो मुंबई पुलिस के निशाने पर थे। इन्हीं में से एक शख्स को साल 2006 में मुंबई पुलिस ने उठाया था, जिसका बाद में एनकाउंटर हो गया था। इस शख्स का नाम राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया था। इस एनकाउंटर को बाद में फर्जी बताया गया और अब यानी साल 2024 में फर्जी एनकाउंटर करने के आरोपी पुलिस अफसर को सजा सुनाई गई है। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे केस की कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 19 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बेंच ने लखन भैया फर्जी एनकाउंटर केस में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनके साथ साथ 13 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है, जिसमें ज्यादातर पुलिस वाले ही हैं। आरोप था कि प्रदीप शर्मा ही उस कथित एनकाउंटर को लीड कर रहे थे जो 11 नवंबर 2006 को हुआ था और लखन भैया जिसमें मारे गए थे। अपने आप में ये देश में पहला फैसला है जिसमें किसी पुलिस अफसर को फर्जी एनकाउंटर से जुड़े मामले में इतनी बड़ी सजा हुई, वो भी तब जब ट्रायल कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को आरोपों से बरी कर दिया था। लेकिन उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई और अब ये नया फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना सिर्फ प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है बल्कि 3 हफ्ते के अंदर उन्हें सरेंडर करने का भी निर्देश दे दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते और गौरी गोडसे की बेंच ने सजा सुनाते हुए यही कहा कि इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से जो भी एक्शन लिए गए हैं वो यही साबित करते हैं कि एक फर्जी एनकाउंटर ही था। अब आपको थोड़ा इस केस के बारे में और बता देते हैं। 11 नवंबर 2006 को मुंबई पुलिस ने वर्सोवा से छोटा राजन के साथ ही रहे लखन भैया को पूछताछ के लिए उठाया। इसी शाम खबर आई कि वर्सोवा में एक एनकाउंटर हुआ है। बाद में मालूम पड़ा कि मरने वाला लखन भैया ही था। ये एनकाउंटर प्रदीप शर्मा की अगुवाई वाली स्पेशलिस्ट टीम ने ही किया था। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि लखन भैया के विरोधी ग्रुप की मिलीभगत की वजह से ये एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर हुआ, फिर मसले की जांच हुई और प्रदीप शर्मा समेत उनकी टीम के कुछ सदस्यों को सजा सुनाई गई। लेकिन जुलाई 2013 में मुंबई की ही एक अदालत ने प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया और 13 अन्य पुलिसकर्मी समेत कुल 21 लोगों को दोषी ठहरा दिया गया था। प्रदीप शर्मा बरी होने से पहले करीब 4 साल तक जेल में रहे थे। जब इस केस को लेकर सुनवाई चल रही थी तब 110 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। तमाम लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए। इनमें से एक शख्स ऐसा भी था जिसने खुद को चश्मदीद बताया और प्रदीप शर्मा पर ही फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था। अनिल भेड़ा नाम के चश्मदीद का बयान इस केस में काफी अहम हो सकता था, लेकिन अदालत में पेश होने से पहले ही 2011 में वो अचानक गायब हो गए। 2 महीने बाद जाकर उनकी लाश एक जगह मिली। अदालत ने 19 मार्च को जो फैसला सुनाया उसमें भी इसका जिक्र किया। जिस दिन इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी उसके 4 दिन बाद ही अनिल भेड़ा गायब हुए थे और बाद में उनकी लाश ही मिली थी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ये दुख की बात है कि इकलौता चश्मदीद इस तरह मारा गया और अब तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ है। 2013 में जब लखन भैया से जुड़े केस में प्रदीप शर्मा को बरी किया गया तब उनके भाई राम प्रसाद गुप्ता ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। एक लंबी लड़ाई के बाद अब जाकर इसमें फैसला भी आया है। ये केस ना सिर्फ फर्जी एनकाउंटर बल्कि पद का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति को किडनैप करने से भी जुड़ा हुआ है। मुंबई क्राइम वर्ल्ड और पुलिस की दुनिया में प्रदीप शर्मा जाना पहचाना नाम रहे थे। वो 1983 बैच के पुलिस अफसर रहे हैं। दावा किया जाता है कि अपनी 25 साल की पुलिस सर्विस में उन्होंने 100 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। इनसे इतर भी वो कई बार विवादों में रहे और कई बार जेल भी गए। अंडरवर्ल्ड में रिश्ते हो या फिर लखन भैया फर्जी एनकाउंटर केस, कुछ ही वक्त पहले हुआ एंटीलिया बॉम्ब कांड ही क्यों ना हो, प्रदीप शर्मा का नाम कई बार विवादों में रहा है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।